इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के राज्यव्यापी आंदोलन के आह्वान पर राज्य के लाखों कर्मचारियों के साथ साथ झालावाड़ महासंघ के जिला अध्यक्ष राधेश्याम पंकज के आह्वान पर हजारों कर्मचारियों ने कार्यालय में काली पोशाक व काली पट्टी बांधकर सरकार तथा शासन द्वारा निर्णयों व समझौतों को लागू नहीं करने का विरोध प्रकट किया। जिला महामंत्री मुश्ताक अहमद ने बताया कि महासंघ द्वारा 29 अगस्त को समस्त जिला मुख्यालय पर मुख्य सचिव के नाम का 15 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर को दिया गया, लेकिन अभी तक राज्य सरकार द्वारा वादा खिलाफी एवं संवादहीनता के कारण महासंघ को आंदोलन के लिए पुनः मजबूर होना पड़ा। आंदोलन के इस चरण में 18 से 23 सितंबर तक कर्मचारी काली पोशाक पहनकर राजकार्य पर विरोध दर्ज करवाए जाएंगे। 24 सितंबर को जिला मुख्यालय पर काली पोशाक में ही विशाल वाहन रैली निकालकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जाएगा। फिर 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर राज्य के लाखों कर्मचारियों राजधानी जयपुर में आक्रोश रैली निकालकर प्रदर्शन करेंगे। जिले भर में कई जगह कर्मचारियों ने विरोध दर्ज करवाया। इस विरोध में हरि सिंह गुर्जर शिक्षक संघ प्रगतिशील, संदीप सिंह मीना वन अधीनस्थ कर्मचारी संघ, महावीर नामा ग्राम विकास अधिकारी संघ, संतोष शर्मा, राम प्रसाद नागर आयुर्वेद नर्सेस एसोसिएशन, मलखान सिंह कृषि पर्यवेक्षक संघ, अरविंद गोचर वृद्धिचंद बजेपुरिया शिक्षक संघ कांग्रेस, मंजू कारपेंटर, सावित्री नामदेव महिला एवं बाल विकास कर्मचारी संघ, आशा वर्मा में वीना पारेता, LHV NAM संघ, अनिल उपचार, मनोज कुमावत, शालिग्राम दांगी अकाउंट एसोसिएशन, कोदा अधिकार संघ, सिंह चौहान पंचायती राज कर्मचारी सहित दर्जनों संगठन पदाधिकारियों ने इसमें विरोध दर्ज करवाया। आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आंदोलन के आह्वान पर आज झालावाड़ जिले में भी समस्त कर्मचारियों ने अपने विभाग में उपस्थित रहकर के काली पट्टी बांधकर तथा काले वस्त्र पहनकर के अपने कार्य को अंजाम दिया है। ये 18 तारीख से 23 तारीख तक चलने वाला क्रम अनावृत जारी रहेगा और सरकार को यह बताने के लिए, यह विरोध दर्ज कराने के लिए कि कर्मचारी अभी संतुष्ट नहीं है, उन्होंने कई समझौते किए हुए हैं, उन समझौतों पर अभी तक निर्णय नहीं हो पाया है। अतः सरकार से निवेदन किया गया है बार बार ये आंदोलन के माध्यम से, और इस आंदोलन को अगर सरकार ने नहीं माना तो अगले चरण में हम जिला स्तर पर 24 तारीख को एक विशाल वाहन रैली का आयोजन करेगा। इस वाहन रैली में सभी कर्मचारी काले वस्त्र पहनकर के इस रैली में शामिल होंगे और सरकार को चेतावनी देते हुए बताएंगे कि हमारी मांगों को शीघ्र माना जाए, अन्यथा फिर अगले चरण में हम 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन राजधानी में धरना और प्रदर्शन करके सरकार को चेताएंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन लगातार जारी रहेगा। सरकार ने हमसे कई समझौते किए हुए हैं, कई प्रकार के निर्णय किए हुए हैं, उन निर्णयों पर अभी भी शासन के द्वारा लागू नहीं किया गया है, उन निर्णयों को लागू करने में देरी की जा रही है। इसी के लिए महासंघ को मजबूर होकर इस आंदोलन में कूदना पड़ रहा है। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।